हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम अपने मायके की एक और रेसिपी लेकर के आए हैं। पहले नहीं सोचा था कि हम आपको ये दिखाएं, लेकिन इतना बेस्ट बनता है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। ये हमने ले लिया है लगभग 2.5 किलो की पूरी लोई ली थी, जिसको हम कट कर रहे हैं। तो इस तरह से कट करेंगे गाइज। इसकी जगह पर अगर आपके पास सब्जी नहीं होती है, फिर भी आप 2 की जगह 4 रोटियाँ खाएँगे। इतना टेस्टी, इतना यमी इसकी रेसिपी बनती है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हम कि क्या बना रहे हैं। और ये सालों साल चलेगा, जिसको कटहल ज़्यादा पसंद है, जो चाहते हैं कि कटहल हम साल भर खाएं, रख कर के हर वक्त तो नहीं मिल सकता, तो इसे हम साल भर रख कर खा सकते हैं। तो देखिए, ये ऊपर की जो ठेठ होती है उसको निकाल देते हैं, कहीं कहीं से ठेठ बोलते हैं, और इसे निकाल कर हटा देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारा कट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको छील लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ऊपर का छिलका जो है उसको हम हटा देंगे बिल्कुल अच्छे से, और अपने हिसाब से आप देखिए। एक बात और गाइस, छीलने का भी झंझट नहीं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में आप कटहल लेने जाएंगे तो वो लोग छील कर भी दे देते हैं। तो देखिए, इस तरह से अपने हिसाब से पीसेस कर लेनी है इसकी। बस ये ध्यान रहे कि इसकी बहुत छोटी पीसें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हम कट करके रख लेंगे और अच्छे से पानी से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप 1 घंटे के लिए धूप में डाल सकते हैं, मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप फैन में ही 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ दें, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल ड्राई हो चुका है हमारा कटहल। तो इससे हम बनाते हैं अपना यम्मी टेस्टी एकदम डिलीशियस आज बनाएंगे अचार। तो ये मसाले, 4 से 5 स्पून के करीब धनिया, जीरा 1 स्पून और सौंफ 2 स्पून, लहसुन की कलियां और ये हरी लाल मिर्च। आप देख लीजिए, लाल मिर्च, धनिया और सौंफ, जीरा, इसको भून करके पीस लेना है। ये देखिए, ये हमने पीस करके रख लिया है। और लहसुन की कलियां छील कर आप ऐसे ही पीस लें नमक में, तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो ये हमने मसाला तैयार कर लिया है, यानी धनिया, जीरा, सौंफ, नमक और मिर्च लाल और लहसुन। तो ये सब आपस में पीस लिया है भूनकर। अब इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। तो लगभग 1/2 kg मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसको लंबे समय तक चलाएगा। तो देखिए, बहुत यम्मी बनेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, खूब अच्छे से धुआंधार गर्म कर लेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए, इसलिए खूब अच्छे से गर्म करेंगे। एक बात और, आप कोई भी चीज़ लें, कोई भी बर्तन लें, सूखा ले, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, धुआं निकलने लगा है, तो फ्लेम को हम कर देंगे बंद। अब इसमें देखिए, 1 स्पून जीरा 1 स्पून सौंफ डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे, देख सकते हैं। तो ये देखिए, डाल दिया है। और अब इसमें हम डाल सूखा ले लेंगे, स्पैचुला वगैरह, तो उससे हम चलाएँगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 स्पून हल्दी। ये भुन जाएगी अच्छे से ऑयल में। देखिए, फ्लेम बंद है, अगर आप फ्लेम बंद नहीं करेंगे ना तो आपकी हल्दी जल सकती है इस वजह से। और अब हम तुरंत ही कटहल डाल देंगे, जिससे की वजह से हल्दी हमारी जलेगी नहीं और अच्छे से पकेगी। तो इसी तरह से देखिए, डाल दिए कटहल, इसको हिला देंगे थोड़ा सा स्पून से, और उसके बाद हम अपना सारा का सारा कटहल इसी में डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं, इसमें हमने सारा डाल दिया है, तो सारा बर्तन भर गया है अच्छे से। अब हम ये नमक जो हमने पीस कर रखा था उसको भी हम ऐड कर देंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और अच्छे से इसको हम करेंगे मिक्स, जिससे कि ये अच्छे से मिल जाए। एक बात और गाइस, इसको हम 5 मिनट के लिए कटहल और मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा कटहल। उसके बाद हम इसमें एक ऐसी इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे जो कि आप कि इस कटहल के अचार को कभी ख़राब नहीं करेगा, सालों साल चलेगा। तो इसी तरह से हम चलाते हुए इसको 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें हमें ऐसे ही मिलाना है। देखिए, अगर आपके पास ऑयल या कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो आप ऑयल को पका करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे सिरका, ठीक है। तो
सिरका ऐड कर देंगे। ये देखिए पहले इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें हम गाइस, ये इतना यमी होता है ना, बच्चे इसके साथ ही रोटियां खा लेंगे, बिल्कुल सब्जी आपसे सब्जी की तो डिमांड ही नहीं करेंगे, और इतना ये टेस्टी लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे इसमें सिरका। ये हमारा आधा केजी है, तो आधा लीटर, तो इसमें हम डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए कुक कर लेंगे। देखिए आपको अगर दूसरे ही दिन से खाना है इस अचार को तो आप अच्छे से पका लीजिए, और अगर आपको क्रंची अच्छा लगता है, ज़्यादा गला हुआ अचार नहीं अच्छा लगता है, तो आप उसे थोड़ा कम पकाइए। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से सिरके में, जिससे कि हमारे तले में चिपके भी नहीं और अच्छे से सब तरफ से कुक हो। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक थाली की सहायता से ढकेंगे, ढक करके इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए लगभग 5 मिनट हो चुका है, तो ये हमारा कुक हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा क्रंची अच्छा लगता है, हमारे यहाँ लंबे समय तक मतलब अचार रखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कम हमने पकाया है क्योंकि सिरका है इसमें और नमक है, जिसकी वजह से ये अचार रखे रखे गल भी जाएगा। तो इसको हमने बंद कर दिया है फ्लेम को, और ये देखिए ढक दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे ढक करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए, और फिर हम एक डिब्बे में भर करके रख देंगे। तो ये देखिए हमने डिब्बे में भर कर रख दिया है। अब हमें इसे कुछ नहीं करना है, जब भी खाने के लिए आप निकालें अचार को तो एक बार हिला दें, जिससे कि नीचे का ऑयल पूरी अचार में बन जाए हो जाए, और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में अचार, कि बच्चे तो ऐसे ही हर चीज़ के साथ खाएंगे। तो देखिए इसे हम सर्व करके भी दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, और ये देखिए इस तरह से हम तोड़ कर भी दिखा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा क्रंची रखा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर हमें देना पड़ रहा है, बाद बाकी हमारा अचार बहुत अच्छे से बहुत यम्मी तरीके से बनकर तैयार है। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।